आर दीज लोकल? आर दीज लोकल फ्रॉम ग्रीस? ओके, ग्रीस से आई है सारे. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल. नया दिन नया व्लॉग. तो अगले दिन की शुरुआत हो गई और हम लोगों ने एक्चुअली आज प्लान किया था कि जाएंगे बीच. यहाँ पे ना एक यूरमाला बीच करके 25 किलोमीटर्स है फ्रॉम रीगा, बट वी चेंज प्लान्स. वो है कि कल जाएंगे जब लोग अब यहाँ से चेकआउट करके फिर सीधा वहीं से निकल के फिर आगे चले जाएंगे. तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसका ओल्ड टाउन. कल तो इतनी थकावट हो गई थी ना, जब मैंने रात का व्लॉग जब बंद किया था, बस 7 बजे के बाद हमने कल क्या किया, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गए वॉक वॉक किया और आ गए बस. वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो पीछे वाले आप वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी. आज का प्लान ये है कि रीगा सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली ओल्ड टाउन. बस वही है, उसी की तैयारी चल रही है, पैकिंग वैकिंग चल रही है. बच्चे के साथ इतना सामान हो जाता है, प्लस नाउ ये सब भी लेना है तो ये गेयर वेयर भी हो जाते हैं. टेम्परेचर एज यूजल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 24 डिग्रीज है, मस्त धूप निकली हुई है. तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दिन. बात मुझे रीगा की ये लगी कि यहाँ पर स्पेशली ओल्ड टाउन के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पार्क्स हैं. तो अब क्योंकि जी वीकेंड है तो एंड प्लस सनी भी है, तो बहुत सारे लोग ना पिकनिक्स मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो कि एक वैसे तो बहुत ही कॉमन ट्रेंड है सारी यूरोपियन सिटीज़ में, बट यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं. मतलब आई हैव नॉट सीन सो बिग पार्क्स लाइक यू नो फिनलैंड में, और फाउंटेन्स हैं, आइसक्रीम वाले हैं यहाँ पे, सो फैमिलीज आर इन्जॉइंग. पीछे ना एक उन्होंने एक ओपन मार्केट लगाई हुई है, तो जिसके अंदर थोड़े थोड़े स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं वेयर पीपल आर सेलिंग एक्सेसरीज एंड ड्रेसेस और वो सब. तो सही है, धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है. मतलब मुझे लग रहा है कि आज जैसे 26-27 डिग्रीज है तो गर्मी लग रही है. ये बात ना मैं पहले अपने बहुत सारे व्लॉग्स में भी बोल चुकी हूँ, चाहे हम हैं तो भाई हिंदुस्तानी मतलब, बट ये क्योंकि यहाँ पर अब रह चुके हैं ना ठंडे देश के अंदर, तो अपना ज़्यादा गर्मी 20 से ऊपर जो होता है ना तो बर्दाश्त होती नहीं है. बस अभी हम वॉक ही कर रहे हैं एंड देन वील बी गोइंग टू द ओल्ड टाउन. हम वैसे तो ओल्ड टाउन में ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट ये कि थोड़ा सा दूर है, लाइक अबाउट 2 किलोमीटर्स की वॉक है. तो एक और चीज़ है, जब आप आओ यूरोपियन सिटीज़ में या वैसे भी यहाँ पर वॉक करने का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होता है, नहीं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हो. 1.5 यूरो की टिकट है, क्योंकि जी हमारे पास गाड़ी है तो हमने तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करा नहीं है यहाँ पे, बट मैंने सुना है कि 1.5 यूरो की जो है यहाँ पर टिकट मिल जाती. बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, वैसे गर्मी के लिए तड़पते रहते हैं सारा दिन, सारा साल बोलते रहते हैं हाई ठंड कब गर्मी आएगी, जब गर्मी आती है तो बर्दाश्त नहीं होती. सो वी हैव प्लान टू टेक अ हॉल्ट एट अ प्लेस कॉल्ड कैफीन. इट्स अ कैफ़े एंड आई कुड सी लॉट ऑफ पीपल होल्डिंग ना, बहुत सारे लोगों ने ग्लासेस पकड़े थे, इसमें कैफीन लिखा होता, तो मुझे लगा मे बी अच्छा ही होगा, प्लस रश भी दिख ही रहा है यहाँ पे. और फिर यहाँ से कुछ ना कुछ पीते हैं, शायद कोल्ड कॉफ़ी या कोई स्लश जो भी मिल जाए, मतलब प्यास लग रही है कुछ ना कुछ. अभी हम खैर ओल्ड टाउन में तो हम चले पहुँच ही गए हैं ऐसे पैदल ही मतलब, बट ये कि यहाँ ना एक होटल है, मुझे था ये भी बता दूँ, विच इज़ लाइक ग्रैंड होटल कैंपिंग सी, ये रीगा. ये भी हमने देखा था वाइल वी वर सर्चिंग द होटल्स, बट ये ऑफकोर्स हमारे बजट से बाहर था. मतलब इट देयर वाज लाइक आई थिंक 250 यूरो पर नाइट दिखा रहा था, विच इज़ लाइक इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपये पर नाइट का चार्ज था इसका. ये वाला बिल्कुल राइट इन द सेंटर ऑफ द ओल्ड टाउन है ये. सो अगर है जी किसी का बजट या फिर कोई डील निकलती है तो ये होटल ट्राई कर सकते हैं. मैंने सुना है कि ये बहुत ही अच्छा होटल है एंड काफ़ी अच्छे इसके ना रिव्यूज़ वगैरह थे. फाइनली जी रीच सेंट्रल मार्केट, वो रही उनकी सेंट्रल मार्केट ऑफ रीगा. दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, चार ब्लॉक्स की बनाई हुई है उन्होंने. तो बेस्ट पार्ट इज कि काफी ज्यादा रश है, मतलब आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग, सो इसका मतलब है कि बहुत लोग होंगे इसके अंदर.
क्योंकि जी यहाँ से देखो जी ट्रैम भी गुजर रही है तो स्टॉप भी था, सो इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू इवन कम बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम चेरी ले रहे हैं फाइनली, 1 किलो की चेरी मिल रही है यहाँ पे 4 यूरो की, सो लगभग वही 320 तक का है। टेस्ट कर ली हमने, इन्होंने मोहतरमा जी ने हमें अलाउ कर दिया था, टेस्ट कर लो, मीठी थी बट थोड़ी गर्म है क्योंकि सन में पड़ी है सीधा। आर दीज लोकल? आर दीज लोक फ्रॉम ग्रीस? ओके, ग्रीस से आई हैं सारी के। एंड स्ट्रॉबेरीज? स्ट्रॉबेरीज लात्विया। लात्विया, ओके, सो आर दे ऑल्सो स्वीट? Yeah, it's normal. It's normal. It's okay. Okay. वो इनकी लोकल वाली हैं और ये 6 यूरो का उन्होंने बोला पैक, पर उन्होंने टेस्ट करने से मना कर दिया क्योंकि वो बोली थी कि बड़ी बड़ी हैं तो आप वेस्ट करोगे, एक एक सारे टेस्ट करने लगोगे। तो प्लान ये कि बाहर से देखेंगे, अगर मिल गई तो बाहर से या कहीं और से जहाँ टेस्ट करने का थोड़ा मौका मिलेगा वहाँ से, क्योंकि टेस्ट करके चीज़ लेना चाहते हैं। प्लेस के अंदर वैसे ज़्यादा कुछ अपन लोगों के लिए तो नहीं था, बट हाँ एक ये चीज़ है कि ज़रूर विज़िट करना चाहिए सेंट्रल मार्केट प्लेसेस को, क्योंकि ना आपको उस जगह का जो फूड की हैबिट्स है और जो फूड कल्चर है उसके बारे में पता लगता रहता है। जैसे मीट्स हो गए, ड्राई मीट्स हो गए, फ्रेश मीट्स हो गए, चीज़ हो गया, और बाकी इनके फ्रूट्स हो गए लोकल या फिर जो इम्पोर्ट होते हैं, सब्ज़ियाँ हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो सारी चीज़ें ना यहाँ पर मिल जाती है। एंड ऑफकोर्स जो है एक चीज़ जो आपको हमेशा सेंट्रल मार्केट में मिलेगी वो है ये सोवेनियर्स, जो कि मैं पसंद करती हूँ कलेक्ट करना। और मैंने एक वॉल बनाई है, फ्रिज के ऊपर नहीं बनाई है, एक सेपरेट सी वॉल बनाई है, वहाँ पे मैं जाके इनको ना लगाती रहती हूँ कि यादगिरी सी रह जाती है। और तो कुछ लेके जाओ या ना लेके जाओ, मैं एटलीस्ट इनको ज़रूर कैरी करती हूँ। ये हमें पड़ा है 2 यूरो और 40 सेंट। इट वॉज़ गुड। हम 1 यूरो में क्या बच्चे की जान लोगों का, 1 यूरो में रियली अ हेवन, अच्छा था। और ना लैंग्वेज की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है, मतलब ऑफकोर्स ये लोग अपनी लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं, बट ये कि इंग्लिश आती है, काम चल जाता है थोड़ा बहुत, टेक अवे या फिर हैविंग हेयर उतना थोड़ा बहुत, 5 यूरो 6 यूरो वो सब चल जाता है, तो काम चल रहा है। कॉफ़ी वही नॉर्मल कैपेचिनो की तरह है, बट हाँ प्राइसेस रिलेटिवली काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बाहर में या फिर फिनलैंड में। स्पेशली सीन ये है कि अब निकलते हैं यहाँ से सेंट्रल मार्केट से और एक्सप्लोर करेंगे ओल्ड टाउन ही इनका, और देखते हैं जो हमारी चीज़ें अब रह गई हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। चर्चेस वगैरह मैंने सुना और इनकी कुछ ओल्ड अपनी जो नोन बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ी सी जाके अब एक्सप्लोर करते हैं। ऑफकोर्स बाय फुट ही कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हो शुरू से ही हमने जब सुबह से हम लोग चले थे हम लोग ऑन द फुट ओनली ऑन द गो है, वो चीज़ सही रहती है, बट हाँ अगर आप नहीं करना चाहते तो लोकल ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे रेडीली। फाइनली अब हम आ गए हैं ओल्ड टाउन के अंदर, वही वॉकिंग करते हुए आई थिंक आज की ना बहुत सारी लाइक मेरे को लगता है शायद 8.5-9 किलोमीटर की वॉकिंग हो जाएगी, इतना ज़्यादा हम वॉक कर रहे हैं। और ना मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे ना सारी जगह पे मोस्टली होटल्स बने हुए हैं, जैसे मेरे राइट साइड पे एक ना होटल है इसका नाम है क्रिस्टोफ्स, हाँ क्रिस्टोफ्स बुटीक होटल है ये वाला, और ऊपर आप देख रहे हो ये देखो लोगों की ना खिड़कियाँ उन्होंने खोली हुई है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, कल जब हम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और पंखा नहीं था ना ही एसी था कमरे में, और था ही नहीं, थे ही नहीं रूम्स वैसे वाले, तो हमने फिर जो खिड़की खोल दी, फिर हम मैं यहाँ पे देख रही हूँ ऐसा नहीं है कि हम ही ऐसे हैं या फिर वही होटल में जो है पंखे नहीं थे लगे हुए या एसी तो थे ही नहीं। इट इज़ बिकॉज आई थिंक मेजरली यहाँ पे क्योंकि ठंड रहती है इसलिए एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, इसलिए ठीक है नॉर्मल है, हम ही ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फिर खिड़कियाँ खोली हुई हैं, तो इट्स लाइक अ वेरी नॉर्मल फॉर देम। बाकी मस्त से यहाँ पर रेस्टोरेंट्स अब खुल चुके हैं, शाम का लगभग समय हो गया है, और अब क्योंकि जी वीकेंड है तो शाम की ही इनकी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। इधर देखो यहाँ पे ये ओपन रेस्टोरेंट्स है और बाहर इनके ओपन बार्स का, क्योंकि समर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है पूरे यूरोप के अंदर ही, तो यहाँ भी वैसे ही है। यहाँ ना जो भी ओल्ड टाउन है वहीं पर ही सारा का सारा रीगा सिचुएटेड है देखने वाला जो है, तो यहाँ पर कुछ चर्चेज़ भी हैं और कैथेड्रल्स हैं इनके, और बाकी इनकी जो फेमस बिल्डिंग्स हैं मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और जितने भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं ना जो 15th century 16th century की बनी हुई, उनको इन्होंने अब कैफ़ेज़ और बार्स में बेसिकली कन्वर्ट कर दिया है। बस वो शाम का माहौल मस्त हो गया, रंगीन हो गया है। पीछे मेरे देखो जी अलग अलग तरह के कैफ़ेज़ हैं ये खोल दिए उन्होंने अभी,
लोग पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग, और अब क्योंकि नाइट्स जो हैं वो लगभग 9:45-10 बजे के करीब ही यहाँ पर होती हैं, तो दिन लंबे ही हैं. एंड फिर पीपल ऑल्सो लाइक बूजिंग अराउंड. अल्कोहल कल्चर ऑफकोर्स यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा, एंड आई थिंक लोग यहाँ पे एज़ यूजल वही बर्गर्स पिज्ज़ा ही लव करते हैं. बट हाँ, देसी रेस्टोरेंट्स भी हैं बिल्कुल रीगा के सेंटर में. हमने एक रेस्टोरेंट देखा था, वो भी है. और बस यही सारा कुछ है, छोटी सी सिटी और ओल्ड टाउन में ही बेसिकली सारी सारी चीज़ें हैं. तो बस, और मेरे को ऐसा लगता है कि वॉकिंग टूर में भी जो है पूरा का पूरा ओल्ड टाउन आराम से देख सकते हो. खाओ पियो और पचाते हुए वॉक करते जाओ. बस यही था जी आज का व्लॉग. व्लॉग को करते हैं वाइंड अप, क्योंकि अब हमने करना है कहीं पे डिनर विनर. पहले ना एक्चुअली यहाँ पे क्रूज़ भी चलता है, मतलब क्रूज़ मतलब बोट भी चलती है फॉर 20 यूरोज़, 2.5 घंटे की वो बोट है, और उसके अंदर आप स्नैक्स लेके भी जा सकते हो. तो यही है, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताओ कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं. जब भी ट्रैवल करेंगे या कोशिश करेंगे जब भी आऊँ मैं व्लॉग्स बनाता रहूँ. बट हाँ, अभी ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि अब हमने निकलना है कल एंड चेकआउट करके, और फिर व्लॉग्स जो है हमारे कंटिन्यू रहेंगे. कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर मुझे बताओ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो. तो मिलते हैं बहुत जल्दी ऑफकोर्स एक नए वीडियो के साथ. प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे फॉलो करते रहें. बाय बाय.